बिग बॉस सीजन 17 में वीकेंड के वार से पहले अंकिता और विक्की से पंगा लेना पड़ गया ऐश्वर्या और नील को महंगा। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के निकले आंसू, बीबी के साथ पति भी हो गए नॉमिनेट। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। शुरुआती दिनों से ऐश्वर्या और अंकिता की जो लड़ाई है अब अंकिता पर नहीं ऐश्वर्या पर भारी पड़ गई है, और तो और उनके ही पति नील भट्ट पर भी भारी पड़ गई है। लेकिन आखिर क्या है वो बड़ी वजह जिसके चलते अंकिता और विक्की हो गए खुश, मुनव्वर आयशा खुश हो गए हैं और ऐश्वर्या और नील भट्ट की लग गई है लंका। सलमान खान के आने से पहले वीकेंड के वार से पहले हो गया है घर में एक बड़ा नॉमिनेशन टास्क, जहां पर 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए हैं इस लिस्ट में अनुराग डोभाल, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट और अंकिता लोखंडे शामिल हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, फिर भी अंकिता के पास एक अच्छा खासा वोट सिस्टम है, ऐश्वर्या और नील के पास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो ऐश्वर्या और नील को अब नेगेटिव तौर पर देख रही है। मेकर्स भी चाहते हैं कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को अलग कर दिया जाए ताकि ऐश्वर्या अपने इस गेम को और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से खेल सके। मुनव्वर फारूकी के फैंस भी ऐश्वर्या और नील से नाराज़ है क्योंकि ऐश्वर्या ने नील भट्ट के साथ बैठकर मुनव्वर और आयशा की बुराई की थी, लेकिन अंकिता कैसे भूल सकती है। अंकिता के साथ तो जो भी ऐश्वर्या ने किया है अंकिता कभी नहीं भुला पाएंगी, और अंकिता ने एक बार फिर ले लिया है बड़ा बदला। नॉमिनेट हो गई हैं अंकिता के साथ साथ ऐश्वर्या और नील भट्ट, दोनों ही हस्बैंड वाइफ को नॉमिनेट करने के बाद बहुत खुश हो गई हैं अंकिता, और अंकिता की खुशी जो है वो फैंस भी महसूस कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब अंकिता का बर्थडे था तब भी ऐश्वर्या शर्मा जलन से फूट रही थी, तो अब तो अंकिता के पास वक्त है खुश होने का, अंकिता के पास समय है कि अंकिता खुश हो, और अंकिता ने एक बार फिर खुश होकर ये बता दिया है कि कैसे नील और ऐश्वर्या की लग गई है लंका, दोनों ही नॉमिनेट हो गए हैं। मेकर्स की माने तो अंदर की खबर की मैं आपकी बात बताऊं तो नील भट्ट को घर से बेघर भी किया जा सकता है, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि ऐश्वर्या शर्मा अपने गेम को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली खेले, भले ही वो नेगेटिव दिख रही हैं लेकिन अपने गेम को और भी ज़्यादा मजबूत करे। खुद अंकिता ने इस टास्क में कहा था कि नील के बिना उनका कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नील की वजह से ही इस शो में दिख रही हैं और टिकी हुई हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन ऐश्वर्या और नील के इस नॉमिनेशन पर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।